तेरे नाज रॉक एंड रोल चैनल प्रेस रखो एक इस गाइस स्वागत है आप सबका। सो आज मैं स्विगी का दूसरा ब्लॉग डालने वाली हूँ। पहला मैंने बहुत पहले डाला था तो आज मैं डालने का सोच रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम मिल गया पता नहीं कैसे। एक्चुअली कैसे मेरा क्लास आज 10 o'clock से 12 o'clock था जो सर 10:30 से लेते हैं बेसिकली बिकॉज 2 hours कंटिन्यूस वुड बी लाइक ओ नींद आ जाएगा मुझे तो आते हैं ओके यस गाइस। सो इसीलिए आज इंटरनल एक्चुअली सर लेने वाले थे बट कंटिन्यूस इस वीक में हमारा कंटिन्यूस इंटरनल प्रेजेंटेशन सब था इसलिए हम रेडी प्रिपेयर नहीं कर पाए तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया एंड सर ने पोस्टपोन कर दिया इसे कल के लिए और आज की क्लासेस भी कैंसिल हो गई। तो आज क्लास 12 से 1 है जो स्टैट्स की है उसके लिए हम जाएंगे पर हॉस्टल है गाइस ये मेरा हॉस्टल जो उस दिन उन्होंने रात में देखा था चले चलते हैं मॉर्निंग में लोग जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ। सो यस हॉस्टल है मेन हॉस्टल है जो PhD हॉस्टल भी कहते हैं इसको बजाय PhD से चल रहे हैं और भी अच्छी बह रही है एवरीथिंग फाइन फाइन है। सो यहाँ पे गेस्ट हाउस है अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं तो इधर दिखाया था मैंने आपको भी लाइट में देख लीजिए यहाँ रह सकते हैं आके तो ये हॉस्टल है दीदी हाय ये गाइस मेसी मेरी सीनियर से नहीं है क्या हाँ 12 से आप लेट हो क्या ओ से हाय दीदी यस गाइस ये मेरी सो नहीं मतलब सीनियर ही है बट मेरी रूममेट क्रिश की सीनियर है और दिए वो क्लास कितने बजे था अभी जा रहे हो आप हाँ हाँ बताओ बताओ सच में अपलोड करने वाली हूँ हाँ सच में अपलोड करने वाली हूँ चैनल का नाम क्या है प्रेरणास रॉक एंड रोल हाँ आप पहले बताइएगा सब्सक्राइबर्स का क्या रखा है 128 है अच्छा वो सारे मेरे फ्रेंड्स ही मुझे लग रहा है इस गाइस देखिए कितना अच्छा नज़ारा है पूरा हरा हरा हो गया हरियाली पहले तो कितना सूखा था अभी लाइक बारिश के कारण इतना हुआ है वरना तो सब सूखा सूखा आपने देखा होगा फर्स्ट वाले ब्लॉग में सारे पेड़ जला दिए हैं वहाँ जला भी दिए थे पता नहीं क्या ये रहा है गाइस एडमिन बिल्डिंग आप देख रहे होंगे और ये VC का घर है पीछे और फिर वहाँ पे और आगे PhD स्कॉलर जनरल दो लाख लीटर्स का ये हमने फर्स्ट वाले ब्लॉग में कवर किया था गाइस एक्चुअली मेरे फर्स्ट वाले ब्लॉग में व्यूज ज्यादा आ गए 667 के अराउंड इसीलिए मुझे लगा कि शायद सेकंड ब्लॉग डालना चाहिए उसमें कमेंट भी आया था कि आप डेली ब्लॉग डालिए हाँ वो देखिए दी देखिए गाइस यहाँ पे क्रिकेट है कितनी अच्छी हवा चल रही है ना आप कुछ बोलना चाहेंगे जी स्विगी के बारे में हाँ अच्छा ही है मतलब थोड़ा ज्यादा गर्मी होता है और बारिश भी ज्यादा होता था पिछले साल तो बहुत ही ज्यादा हुआ पर इस बार बहुत कम है ना लग रहा था मुझे भी और कुछ पता नहीं के बारे में बोल ये रहा गाइस ओपन जिम वहाँ पे सनसेट पॉइंट उसे रात में कुछ भी नहीं दिखा होगा खाने के बारे में थोड़ा कमेंट नहीं कीजिएगा इतना अच्छा खाने देते हैं बस वाले खाना के बारे में तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं हमारे बस में पता ही है यस गाइस जो आने वाले हैं समझ जाइए कितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं हम तो अच्छा अच्छा बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में बुरा तो हमें मुँह से निकलता ही नहीं बिल्कुल भी गाइस सो ऑल द वे टू माय क्लास जो एडमिन के एकदम साइड में है लंबा रास्ता लेके जाना पड़ता है 2 किलोमीटर का है छोटे बहुत से क्यूट क्यूट इतने सारे भूल ही गए यहाँ पे आता है कावेरी हॉस्टल ये मेन हॉस्टल तो नहीं है बट हाँ ये टीन शेड हॉस्टल है टीन शेड टीन शेड टीन शेड
ये काफी अच्छा है अंदर से, इसमें 3 ब्लॉक्स है ABC एंड इसमें बाहर घूम सकते हैं। हमारे हॉस्टल में अलाउड नहीं है रात में लाइक आफ्टर टाइम बाहर घूमना। शायद ये वाला 9 बजे ही बंद कर देते हैं ना। हाँ आजकल इसका टाइमिंग 9 बजे हो गया, हमारा अभी भी 9:30 है। देखिए कावेरी हॉस्टल, हमारे हॉस्टल्स का नाम रिवर्स के नेम पर रखा है, कावेरी नर्मदा यमुना गोदावरी और बॉयज का डैम के नाम पे शायद। लाइक अमरजा एक डैम है, उसके अलावा KKRD मुझे नहीं पता क्या है वो KKRD का फुल फॉर्म। ये पे वो मुझे दिखाओ ना पूरा। ओके गाइस गाइस सो देखिए आज का ये है मैं आउटपुट, मैं आपको पूरा दिखा रही पाई थी अभी मुझे मिली तो वो दिखा रही हूँ। यस सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ ठंडी नहीं है बट तब भी शर्ट पहन थोड़ा कम्फर्टेबल फील होता है एंड यस नॉर्मल आईडी कार्ड आपको होना चाहिए लेकिन मुझे पसंद है और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पहनते थिंकिंग की स्कूल से आ चुके हैं बड़े हो गए अलग बात है सही है सब देखता है मुझे बहुत अब चिक हो गया मेरा। काले बादल तो थोड़े हल्के हल्के हैं, वहाँ पे बारिश होने की संभावना शाम तक मेरे ऊपर हो जाएगी। छाता लिया है कोई फायदा नहीं है छाता, बस आप छाता बहुत टूटता है ऑलरेडी मेरा तीसरा छाता है ना। क्यों टूटता है बताओ? हवा के कारण बहुत ज्यादा और बारिश में भी कुछ नहीं कर रहा था। हाँ इतनी तेज हवा बह रही है इसी कारण टूटता है, भले वो बारिश हो तब भी हवा कम बहती है, अगर बारिश हो रही हो तो, वरना उसके आगे पीछे बारिश आने से पहले आने के बाद काफी तेज हवा चलती है आंधी टाइप। और यहाँ पे हम लोग मुझे लग रहा है क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा नहीं हुआ तो हम लोग धूप से बचने के लिए ज्यादा यूज करते हैं छाता रेदर देन बारिश से बचने के लिए। यहाँ पे गाइस दूसरा दो डिपार्टमेंट अकेले हैं बेचारे तो नहीं कहूंगी बट ठीक है। ये लाइफ साइंस एंड जर्नलिज्म का है, उसका आगे एक और है शायद ना बीएड का है। हाँ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ पे है? इसी तरफ से कहीं। अच्छा हाँ तो वहाँ पे ये एक डिपार्टमेंट है, उसके आगे एक और है। मैं आपको इस डिपार्टमेंट में दिखाती हूँ गाइस, मैं शॉर्टकट से जा रही हूँ क्योंकि शॉर्टकट छोटा पड़ेगा रास्ता गाइस। और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाके टर्न ले लेंगे तो कैंटीन पहुंच जाएंगे। अब यहाँ या वहाँ जाओगे? मैं यहाँ से आऊंगी। दो रास्ता है गाइस आपकी मर्जी, आप कहाँ से भी जाइए। दीदी वहाँ से गई मैं यहाँ से मैं हमेशा ये प्रेफर। व्हाट द हेल दीदी को बात है ये आपने बताया नहीं मुझे। कोई बात नहीं चलती यस पहली बार लगा गाइस चलता है, मैं नीचे से जाऊंगा। पहुंच गया, ये शूट करना था आपको, मैं कैसे एंट्री मारा ध्यान ही नहीं आया मुझे। चलो ये रहा गाइस हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये हिस्ट्री का है और उस साइड केमिकल साइंस है। दीदी फिर से वहाँ से जाने वाली हैं और मैं फिर से यहाँ से जाऊँगी। गाइस यहाँ का डिपार्टमेंट एकदम सिमेट्रिकल बनाया है, मैंने आप किसी भी साइड से देखिए ना आपको एकदम सेम दिखेगा। यहाँ पे एक सीढ़ी साइड, एक सीढ़ी साइड, पे एक सीढ़ी साइड, तो यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से कहीं भी एग्जिट है। गाइस गाइस तो ये है, ये देखिए गाइस ये है डेप्थ ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, उसके अलावा वो हिस्ट्री का है, वहाँ पे स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज के अंदर आता है। यहाँ पे दिखाती हूँ स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज। यस गाइस तो हम जा रहे हैं, गाइस 11:53 हो गया, 12 o'clock क्लास होने वाला है तो हम जल्दी चलने जाएंगे। ये है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। दी आप आ रहे हो या मैं जाऊँ? ठीक है बाय दी। ये रहा गाइस हमारा एक ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम नंबर 2 है, इसके अंदर बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं हमारे, फ्रेशर्स फेयरवेल फेस्ट वगैरह, फेस्ट तो बाहर होता है फिर एक दिन लास्ट का हाय कल्चरल इवेंट होता है एक दिन का। यस गाइस सो ये देखिए आपको समझ ही नहीं आएगा सारे डिपार्टमेंट्स पीछे से आगे से एक जैसे हैं, बट एक बात सही है कि हरियाली आ गई है सही। आई एम हैप्पी अबाउट इट।
जाते जाते गाइस यहाँ पे भी एक आउटफिट फिट चेक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे शीशे इतने अच्छे हैं ना, ये देखिए। यस गाइस, ये है और इस साइड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है और इस साइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वहाँ पे हो गया तो फिजिक्स होगा गाइस। ये मतलब एक साल होने वाला है, मुझे खुद अच्छे से नहीं पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा। ये रहा गाइस, ये डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, और ये तो काफ़ी सुनसान रहता है, क्लासेस चल रही है वैसे। मैथमेटिक्स और ये शायद केमिस्ट्री या फिजिकल साइंस का है। यहाँ से आप एकदम स्ट्रीट जाके मुड़ेंगे तो फिर कैंटीन मिल जाएगा आपको। ये सारे डिपार्टमेंट है, ये बीटेक डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। और यहाँ है ज्योग्राफी और जियोलॉजी। आई थिंक इस साइड है जियोलॉजी, साइड है ज्योग्राफी, नॉट श्योर गाइस। मैं इस डिपार्टमेंट्स में गई नहीं हूँ, इतना श्योर नहीं हूँ। ये रहा एक डिपार्टमेंट और ये रहा दूसरा डिपार्टमेंट। इतनी हरियाली है, बीच में पूरा घास एंड ऑल एवरीथिंग है ना, ब्यूटीफुल। अब आता है गाइज हमारा डिपार्टमेंट। गाइज ये हमारे डिपार्टमेंट का ऑडिटोरियम है, हमारे डिपार्टमेंट का ऑडिटोरियम नंबर 1 यहाँ बना हुआ है हमारे डिपार्टमेंट के पास। हमारे डिपार्टमेंट का नहीं कह सकती मैं। एंड यस, सो ये रहा, मौसम काफ़ी अच्छा है गाइस, अच्छा लग रहा है। साइंस खत्म हो गए तो नीचे बैठे हैं। यस, नो सेमिनार हॉल। ये आ गए गाइस, यहाँ पे है हमारा डिपार्टमेंट। ये है हमारा डिपार्टमेंट वीवी वाला, और उस साइड हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। और हाय, ये वैष्णवी से हाय। आमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बाल देखो कैसा हो गया है। क्या बोलोगी आप। यस गाइस, सो ये रहा, ये हमारे सीनियर है, से हाय। सो ये देखिए गाइस, ये MBA फेयरवेल के लिए मानो शायद, और ये MBA की क्लास है। यस गाइस चल रही है, और ये दो और मेरे क्लासमेट्स आ रहे हैं। से हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है, कब से हो तुम लोग क्लास में। अभी आए हो, तब ठीक है। तुम बाहर कहाँ घूम रहे हो, जा रहे हैं अंदर। अच्छा ठीक है। ये रहा गाइस हमारा फर्स्ट ऑडिटोरियम जो हमारे इसके पास बना है, एंड कॉलेजम चलो हो गया गाइस, कह रहे हैं क्लासमेट्स, तो क्लास में एंट्री मारते हैं अब। तो बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट है, चंदू अन्ना है शायद वहाँ पे। काव्या से हाय, लाइब्रेरी नहीं गई, वो देखो वहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लास है। अरे वीडियो, ओके। भाई ये गाइस नहीं मुड़ेंगे, ये देखिए गाइस नॉइस। जोहर सर भागो, जोहर सर आ रहे हैं, नहीं आ रहे अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, से हाय। हाय गो, हाय। हाँ जी सर, ये देखिए गाइस, प्रणव क्या हो गया हाथ को। हाँ डैम, हाउ वाओ, हाय। नींद में गाइस अभी भी। राम जी, राम जी अनु फाइट फाइट प्रणाम, वाइट वाइट अब्रार से हाय। नितीश ऐसे ऐसे, मेरी ये परमानेंट सीट है, मैं यही बैठने वाली हूँ। कहान से हाय। ओ एरोप्लेन, शिवा तौफिक से हाय। गुड मॉर्निंग गाइस, दिलीप हाय, दीपक गाइस, ये दोनों मेरे फेवरेट बच्चे हैं क्लास में। पहले वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा होगा,
How cute they are. सर अभी आए नहीं है लोग मुझे डरा रहे हैं गाइस. सर वैसे आने वाले हैं नो डाउट. सो ये मेरी पुरानी क्लास है जिसमें हम पढ़ते थे. सर सर सही में आ रहे हैं गाइस. ये देखिए क्लास को केक मुझे भी दिखा दे. मुझे भी दिखा दे. ओके यस गाइस सर आने वाले हैं. यस गाइस क्लास खत्म हो चुकी है हमारी. से हाय. आज क्लास है कि नहीं पूछ. पता नहीं यार मैंने पूछने वाली. तरुण से हाय. आई एम सॉरी. खत्म हो गए गाइस. सब जा रहे हैं. पूछ रहे हो? पूछती हूँ. पूछ पूछ. सिद्धार्थ रुकना. बाय. मेरी क्लास खत्म हो चुकी है एंड अभी मुझे लंच करने तो मैसेज आना है बिकॉज मेरा क्लास लाइक इंग्लिश का शायद अगर होगा तो भी 3 से ही होगा. यहाँ पे रह के फायदा नहीं है और कैंटीन में खाने का मन नहीं है. कल ही खाई थी मैं एक्चुअली. फिर कल 2 o'clock से मैं एक इंटरनल था सुबह से तो भी मैं कैंटीन आपको दिखाने जा रही हूँ. एंड फिर वहीं से एक डायरेक्ट रूट जो मेरे हॉस्टल कनेक्ट होता है मैं उससे चली आऊँगी. वो भी शॉर्टकट ही पड़ेगा उतना बड़ा नहीं होगा. लेट्स गो देयर. बहुत सारे लोग कैंटीन में मिलेंगे. इस टाइम में भीड़ होती है. वहाँ पर ना डार्क चॉकलेट जो मिलता है ना छोटा वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो यस देखते हैं क्या होगा. हमारा डिपार्टमेंट ये रहा एडमिन ब्लॉक. इतना अच्छा दिख रहा है ना गाइस. अब हम जा रहे हैं. मैं इस तरह से नहीं जाऊँगी. मैं डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट से जाऊँगी. तो ये वाला जो हाँ इधर जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और ये है लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है. लैंग्वेज के नाम लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट. यहाँ पे कन्नड़ा हिंदी और इंग्लिश का डिपार्टमेंट पूरा अलग ही है. यस फैकल्टी ये D10 है. हमारे डिपार्टमेंट्स को नाम दिया है D10. मतलब हमारा D3 है एंड इकोनॉमिक्स का है D4 और साइकोलॉजी में 1-2 है. सोशल वर्क शायद साइकोलॉजी 1 है और सोशल वर्क 2 है. नॉट वेरी श्योर. गाइस कितनी हरा भरा है ये डिपार्टमेंट. यहाँ से उधर जाएंगे तो आई थिंक ये पता नहीं गाइस मैं भूल गई इंग्लिश डिपार्टमेंट है. पता नहीं बहुत कन्फ्यूजिंग है. यहाँ पे सब एक जैसे है ना इसलिए बहुत कन्फ्यूज होता है. और ये देखिए कर्नाटका का झंडे का कलर येलो एंड रेड है. कन्नड़ा दिवस मनाते हैं तो इसी कलर का झंडा लेके सब घूमते हैं. मैंने देखा था. ये देखिए गाइस ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हिंदी कन्नड़ा एंड लिंग्विस्टिक्स आता है. तो इसमें से इंग्लिश डिपार्टमेंट पूरा अलग है. उसके अलावा हाय दी ये मेरे सीनियर्स है गाइस BBA के. फिफ्थ सेम सारे बड़े हो गए. तो हाय दी सीमन दी यूट्यूब ब्लॉग बना रही हूँ मैं. ओके गाइस सो यस आइए चलते हैं हम कैंटीन में. तुम्हारा यूट्यूब क्या नाम से है? प्रेरणाज रॉक एंड रोल. यह गाइस लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के एकदम इधर थोड़ा सा पीछे आके कैंटीन. संजी आ गए. आप पास मेस नहीं जा रहे क्या? क्यों मेस का खाना पसंद नहीं आपको? बिल्कुल नहीं. किस पे पसंद है मेस का खाना? आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को आने वाले जूनियर्स को आने वाले जूनियर्स को अपकमिंग जूनियर्स मतलब इज आज एडवाइस हो गया गाइस. हां सही में आई वाज जोकिंग सॉरी. यस गाइस सो यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन आप देख सकते हैं घास फूस. ये है हमारा कैंटीन जहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी गाइस. सो मैं आपको बता दूँगी दी कैंटीन में एंट्री मारते हैं. यहाँ पे सब कोई खा रहा है फॉर श्योर. लंच टाइम है. आज उतनी भीड़ नहीं लग रही है पता नहीं क्यों है ना. इतनी भीड़ नहीं है गाइस. आई थिंक सबको अभी तक छुट्टी नहीं मिली है. हाँ यस गाइस यहाँ पे क्या क्या मिलता है मैं आपको बताती हूँ. टाइप्स ऑफ बिस्किट्स मिलता है चॉकलेट्स
ये कोको क्रैकर ये नया आया गाइस, मैं आज देख रही हूँ। बाकी इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम्स मिलते हैं, कोन हो गया एंड फ्लेवर्स भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है, एंड कुल्फी एंड ऑल भी मिलता है। और कोल्ड ड्रिंक्स में कांच वाले बॉटल में मिलता है, प्लास्टिक में भी, और वड़ा पाव एंड ऑल सब मिलता है। वड़ा पाव आज आफ्टरनून में स्टार्ट हो गया है, पहले सिर्फ इवनिंग में था। तो लेट्स गो आउट गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितना हरियाली हरियाली हो गया गाइस। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है हमारा, ये लाइब्रेरी। चलिए 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 यस गाइस, तो ये टीन शेड हॉस्टल है बॉयज़ का, यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी है हमारा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो है, बाकी वहाँ पे मेन हॉस्टल के पास ही है सब। और ये रहा हमारा लाइब्रेरी, जहाँ से हमने लास्ट टाइम वीडियो स्टार्ट की थी, मतलब इसके फ्रंट से की थी, तो वहाँ तक हम ज़रूर जाएंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे कोई बीटल बीटल नहीं, कुछ तो है उड़ने वाला कीड़ा ब्लैक कलर का। यस लेट्स गो, ये शॉर्टकट रास्ता है इस पीछे से जाने का कैंटीन के साइड से, बाकी रोड से तो है ही। हाँ तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे एंड बाय, जा रहे हैं ये सीनियर्स जा रहे हैं गाइस। ओके सो ये रहा लाइब्रेरी रोड, यहाँ पूरा ग्रीन ग्रास एंड ग्राउंड है, और फिर वहाँ पे ये वॉलीबॉल कोर्ट है, उसके बाद वहाँ फुटबॉल का और आगे चल के बास्केटबॉल का कोर्ट है, और खो खो के लिए भी वो लग गए हैं पोल्स, अंकुर में लग गए थे इस बार। यस गाइस, फिर यहाँ से जो रोड जाएगा वो जाकर बॉयज़ हॉस्टल में मिलेगा, एंड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी न्यू बॉयज़ हॉस्टल का, उसका आगे वाला बन चुका है एंड बाकी भी बने हुए ही हैं। यहाँ पे टीन शेड होगा, पीएचडी हॉस्टल भी होगा मेन हॉस्टल, और ये रहा हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी। यस गाइस, तो मैं अभी अंदर से नहीं जाने वाली हूँ सच, बट बाहर से ज़रूर दिखाऊँगी आपको। एंड सामने वहीं पर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था शूटिंग। यस गाइस, सो ये रहा, अभी तो काफ़ी भीड़ हो रही होगी बिकॉज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फर्स्ट, आई मीन जो सेकंड सेम में है उन सब के एंड सेम, इसीलिए भीड़ होगी अच्छी खासी। लंच के लिए जाते हैं बस, बाद में वापस आना पड़ आ जाते हैं, मतलब वैसे ही है, और यही है बस गाइस। यहाँ पे वैसे पानी मतलब बारिश का वैसे इकट्ठा हुआ, बट शायद पहले से वहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मेशन था क्योंकि ज़्यादा ही पानी इकट्ठा हो गया है। यस नदी टाइप में भी पता नहीं, कभी गई नहीं गए वहाँ पे। बादल बादल आसमान काफ़ी सही दिख रहा है गाइस। हाँ वो रहा कंस्ट्रक्शन वाला, ये बड़ा है हमारा वाला हॉस्टल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो भी ज़रा हमसे बड़ा ही लग रहा है। यस गाइस, सो यहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे आईडी कार्ड चाहिए एंट्री मारने के लिए, सेंट्रल लाइब्रेरी में आईडी कार्ड नहीं है तो एंट्री मतलब जो किसी का लेके मारना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आपके पास है तो लेट्स गुड राइट, आईडी कार्ड लगाइए और आपको एंट्री मिल जाएगी। एंड अब मैं इस शॉर्टकट रास्ते से डायरेक्टली जाने वाली हूँ अपने डिपार्टमेंट के पास, निकलता है ये मेरा जो भी है शॉर्टकट रास्ता एकदम, और फिर एक राउंड हो जाएगा पूरा ऐसे करके, काफ़ी हरा हरा है, पिछली बार जब था तो पूरा यू नो येलो येलो था, येलो येलो घास, तो काफ़ी अच्छा हो गया। यस गाइस, सो आ गए, ये है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और काफ़ी स्ट्रिक्ट है साइकोलॉजी में, अच्छा भी एकदम टाइम से क्लास लगती है बहुत, आई मीन जितना स्टडीज़ होता है उतना ही उनका वीकेंड पे कुछ ना कुछ फंक्शन भी होता है। और ये रहा मेरा डिपार्टमेंट जहाँ से मैं जाने के लिए मना कर रही थी, और आते टाइम इसी रास्ते से आई हूँ मैं गाइस। यस गाइस, सो गर्मी गर्मी मैंने दिखा दिया आपको, अपने बैक टू हॉट डिपार्टमेंट आ चुकी हूँ घूम के पूरा ऐसे राउंड लेके, एंड अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल मेस में खाना खाने,
कैंटीन में दिखा दिया, बट आज इतनी भीड़ नहीं थी यार, क्यों मे भी फ्राइडे है, ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं किसी की, वरना काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है। एंड यस, बैक टू आर डिपार्टमेंट। अपना डिपार्टमेंट पता करने का यहाँ पे एक वो है, देखिए अगर आपको ये दिख रहा है कोलोइज़म का, ये दिख रहा है तो मतलब हमारा डिपार्टमेंट है। कोलोइज़म फेस्ट था जो हमारे MBA सीनियर्स ने करवाया था। यस एंड दैट वाज ग्रेट। चले यस गाइस, सो मैं ये डुअल वीडियो ट्राई कर रही हूँ थोड़ा, फर्स्ट टाइम है इसलिए। और ये देखिए, हाँ तो जिस रास्ते से मैं आई थी मैं उसी रास्ते से जाने वाली हूँ, बट यस मैं चाह रही थी कि आप मेरा मुँह देखने के अलावा आई ब्यूटी भी इंजॉय करें। हवा भी बहुत चल रही है, देखिए अच्छा है बैम्बू, आई डोंट नो। हाँ तो यस गाइस, सब कुछ तो चला गया होगा, मैं वो कैंटीन में शूट करने चली गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट ठीक है मैं इतना टाइम में तो बहुत जाऊंगी कि मुझे लंच मिल जाए। मैं हमारा लंच का टाइमिंग है 1 से 2:30, ब्रेकफास्ट है 8 से 9:30, संडे को एक्सीड हो जाता है, संडे को इट गोज टू 10 बिकॉज यू नो सबके लेट उठता है तो। यस एंड डिनर का है 8 to 9:30। रोड तो नहीं कहूंगी इसको मैं। बहुत सारे लोग जो क्लासेस 2 o'clock से होती है ना, उनको 1 घंटा कम पड़ जाता है जाने में, खाने में, फिर आने में। इन लोग को लगता है होगा काफी दूर है हॉस्टल से हमारे पैदल चले जाने में, तो ये भी अगर आपको लकीली मिल गया था इट्स फाइन, बट अगर ये भी आपको नहीं मिला है देन फॉर श्योर थोड़ा यू नो टाइम टेकिंग है। सो ये समझाएंगे अगेन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ कार आ रही है, चलिए चलते जाओ चलते जाओ, चलो चाहती हूँ जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं फिर तो यहाँ पे आने का एडमिशन लेने का सोच रही हूँ, बट देख रही हूँ यूनिवर्सिटी हाउ इट लुक्स, बिकॉज काफ़ी सुंदर लगती है मुझे लुक में यूनिवर्सिटी, नो डाउट है अभी। यस CS डिपार्टमेंट, यहाँ मेरी एक रूममेट पढ़ती है, मेरे रूममेट का एक CS का, एक CS की है CS एंड मैथमेटिक्स, एक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, एक जियोलॉजी एंड लाइफ साइंस एंड एक इकोनॉमिक्स एंड सोशल वर्क। आपको सारे डिपार्टमेंट एकदम सिमिलर लगेंगे, तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो फुल श्योर कन्फ्यूज होना जरूरी है। अगर आप दूसरी बार आएंगे तो ओके, आप D1 D2 करके याद कर सकते हैं या फिर कोई साइन आप याद रख सकते हैं, बट पहली बार में तो आप कन्फ्यूज हो ही जाएंगे। मैं भी काफ़ी हो गई थी, मैं डर भी गई थी बिकॉज मैं लेट थी थोड़ा सा, बट लकीली नहीं हुआ, आई मीन लेट नहीं हुई मैं। ये लॉ डिपार्टमेंट है गाइस, इधर लॉ और MBA में होटल मैनेजमेंट टूरिज्म का भी शायद कोर्स है, टूरिज्म का तो है, होटल मैनेजमेंट का ध्यान नहीं मुझे। सो वो लॉ डिपार्टमेंट के साथ में, ये हमारा फाइनल डिपार्टमेंट है जिसके बाद हम निकल जाएंगे रोड पे, और फिर ये डिपार्टमेंट में आने का लगता है कि ओके पहुँचने वाले हैं क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है। ये देखिए कहाँ से है, सो आओ चलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। एक सेकेंड शायद सर से मुझे ध्यान आया, फेयरवेल में देखा था मैंने उन सर को, मैंने सर तो उस दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले फेयरवेल में थे। देखिए गाइस, ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ब्लॉक है, चार दिन चलेंगे अंदर। स्टूडियो कौन सा आता है, बट आई होप जल्दी आएगा, एंड देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सी यू गाइस, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं जल्द ही।